आज हम बात करेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में कि किस तरह से किसी सैंपल को बिना स्टेन किए उसको स्टेन भी आपको नहीं करना है ना, और उसको फिक्स भी नहीं करना है। तो आप एक तरह से लाइव सैंपल को बिना किसी स्टेन के देख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह का पैटर्न। तो ये क्या है, इस तरह का पैटर्न हमको कैसे मिलेगा, और ये कहीं कहीं पे आप देखिए यहाँ लाइट है और यहाँ डार्क है। तो जहाँ डार्क है उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे लाइट कम है या फिर जो है नहीं, ठीक है। और जहाँ लाइट है वहाँ हम कहेंगे कि लाइट की तीव्रता क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे आपका इंटेंसिटी जिसको तीव्रता बोलते हैं वो क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम, जो ये लाइट एंड डार्क एरिया आपको दिख रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि हम अपने सैंपल में इसको कैसे यूज़ करेंगे, या हम लाइट माइक्रोस्कोपी में इसको कैसे प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो एक वेव के बारे में देखते हैं। तो वेव जो है, जब आप देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसमें से एक जो ये लाइन है इसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। और ये जब नीचे आ रही है तो इसको बोलेंगे ट्रफ, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये कंप्लीट एक वेव है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक तो ये कितना है, 2π का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम फेज डिफरेंस पे ना फोकस करके हम ये समझते हैं कि इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता किसी वेव की किस पे डिपेंड करेगी, लाइट वेव के बारे में। तो ये जो आप इसकी ऊंचाई देख रहे हैं क्रेस्ट की, ये मान लीजिए ए है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ना। और आपकी जो तीव्रता होती है लाइट की आई, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि किसी लाइट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है, मतलब उसकी तीव्रता उसके स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अब देखते हैं कि ये जो इन एम्पलीट्यूड है ये कैसे परिवर्तित होगा। तो देखिए कुछ चीज़ों की हम यहाँ बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ बात करी वेव, है ना, वेव हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसको हम नंबर कर लेते हैं, ये वेव है, ये एम्पलीट्यूड है। तीसरी बात करी हमने, हमने कहा कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अब चौथी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं यहाँ, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है भाई, देखिए ये आपको दिखाया गया है, सपोज करिए ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, इसकी थिकनेस सपोज करिए डी है, है ना, इसकी थिकनेस डी है और इसकी थिकनेस टी है। तो यहाँ पे डी जो है वो बड़ा है टी से, तो जब कोई लाइट वेव इसमें से जाएगी, इस सरफेस में से पास करेगी, है ना, तो इस लाइट को ज़्यादा इस मीडियम में ट्रेवल करना होगा, है ना। देखिए इसकी थिकनेस ज़्यादा है और इसकी थिकनेस कम है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। मतलब कोई जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसको क्या बोलेंगे, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
अवेयर्स बाई ट्रेवल बाई बाई लाइट इन अ मीडियम, है ना। कोई मीडियम है उसमें लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसी को हम कहते हैं पाथ। अच्छा, ये मटेरियल दो तरह के भी हो सकते हैं। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए एन है, दूसरे का नीटा है। तो एन इज ग्रेटर देन नीटा है सपोज करिए, तो इस वेव को जब इसमें ट्रेवल करना होगा, है ना, तो इसमें इसमें किस चीज़ का डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। तो अगर हम कहें ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसके किसके पर प्रोपोर्शनल होगा, तो एक तो होगा आपका टी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। दूसरा ओपीएल डिपेंड करेगा कि कितना जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, जो कि डिपेंड करेगा कि कितना थिकनेस है उस मटेरियल का, दूसरा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब ये ध्यान रखिए कि जब भी एक कंडीशन होती है कि जब ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, है ना, तो उसकी वजह से क्या आएगा, फेज डिफरेंस, क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, है ना, फेज डिफरेंस आएगा। तो अब ये फेज डिफरेंस क्या है, मतलब यदि किसी लाइट को हम जो है एक रेयरर मीडियम से पास कर रहे हैं और एक डेंसर मीडियम से पास कर रहे हैं, या हम कहें कि ज़्यादा थिकनेस से पास कर रहे हैं और कम थिकनेस से पास कर रहे हैं, तो जो वेव उसमें से निकल के आएगी उन दोनों वेव के बीच में क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया भाई, तो उसकी वजह से फेज डिफरेंस होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, ये एक लाइट है, यहाँ पे आपको देखिए ध्यान से, ये एक लाइट है यहाँ से जा रही है और इस सरफेस से टकरा के पुनः वापस आ रही है। तो अगर हम ये जो ब्लू लाइन से दिखाए हैं और जो रेड लाइन के दिखाए हैं, इसके बीच में हो रहे कितना फेज डिफरेंस है, तो इसमें यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस है, है ना। तो हमको यहाँ मोटी मोटी बात ये समझ लेनी है कि अगर हम फेज डिफरेंस चाहते हैं, और हम चाहते क्यों हैं फेज डिफरेंस, या हम ऑप्टिकल पाथ लेंस में डिफरेंस क्रिएट करके क्यों फेज डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से, जब कोई वेव सेम फेज में होती है, सेम फेज में, है ना, सेम फेज में होगी तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ये जो पर्पल वाली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड आपका ए, हाँ 2a है, ठीक है, और ये जो रेड से दिखाई गई है इसका वेव हमारा है a, ठीक है। तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ a, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ 2a। तो अगर ये दोनों सेम फेज में है लाइट, तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a। तो आप देखिए इन दोनों लाइट को अगर हम इनकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, ये जो ऊपर दिया गया है, तो इसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन देखिए जब दोनों सेम फेज में है, किस फेज में है, सेम फेज में है, तब इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी हम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में बात करें तो 4a स्क्वायर हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस वेव की बात करें जो हमको मिली है, तो ये हो जाएगी 9a स्क्वायर, मतलब इसकी इंटेंसिटी हाई है। अच्छा,
लेकिन जब दो वेव, एक वेव ऐसे जा रही है और ये वेव लौट रही है, दे आर इन अपोजिट फेज, है ना, ये क्या है, अपोजिट फेज में, ठीक है। तो अपोजिट फेज में रहेंगी तो सपोज करिए इसका एम्पलीट्यूड 2a है और इसका भी एम्पलीट्यूड 2a, तो जब 2a दोनों का एम्पलीट्यूड है और ये अपोजिट फेज में है तो ये 2a माइनस 2a हो जाएगा और ये हमें क्या मिलेगा, 0। मतलब यहाँ हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर सपोज करिए इसके बीच में 3a है ये वेव और ये 2a है, तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो अगर इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं, ये बड़ा बड़ा सा टर्म है आप सुनेंगे, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। जब दो वेव सेम फेज में होंगी और तो उनका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। जब दो वेव सेम फेज में होंगी तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अपोजिट फेज का मतलब है यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी और यहाँ बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम ये बात कर क्यों रहे हैं, तो देखिए यहाँ यही दो पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप बहुत कुछ चीज़ें नहीं याद रख पाते हैं तो आपको यही दो पॉइंट याद रखना है। कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि सेम फेज में होगी लाइट और इंटेंसिटी बढ़ेगी, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि अपोजिट फेज में होगी, मतलब इंटेंसिटी लाइट की घटेगी। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ अगर हम कहें जहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है तो इसको बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव, है ना, इंटरफेरेंस, है ना, और इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है उसको बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सर थोड़ा लाइट लाइट है, देखिए जिस मीडियम से लाइट पास कर रही है उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे वेरिएशन भी मिलेगा, मतलब एक ग्रेडियंट भी मिल सकता है बढ़ते हुए लाइट इंटेंसिटी का या घटते हुए लाइट इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि जो इसको हम कैसे अपने उसमें यूज़ करेंगे, जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इस तरह का एक अरेंजमेंट यूज़ करेंगे इसमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, जब लाइट जो है हमारी यहाँ से जा रही है, एक लाइट यहाँ से, तो अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये लाइट का जो यहाँ पे थिकनेस जिससे पास कर रही है तो वो क्या है, ये थिकनेस टी है मान लीजिए, और मतलब इसका थिकनेस कितना है, टी, और इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ये भी टी है और ये भी टी है। तो ये बताइए, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि किसके केस में पाथ डिफरेंस या पाथ लेंथ ज़्यादा होगा, पाथ लेंथ आपका ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है, है ना, तो ए और बी के केस में किस में पाथ लेंथ ज़्यादा है, बी के केस में या हम कहें कि ओ पी एल बी इज ग्रेटर देन ओ पी एल ए,
ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो ओपीएल भी जो है ज़्यादा फेज डिफरेंस भी क्रिएट करेगा, ज़्यादा आपका फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो जब ऐसी दो वेव ए और बी मिलेंगी है ना, तो हो सकता है कि वो किस फेज में हो, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज में हो या डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव आप डिस्ट्रक्टिव फेज में हो सकती है, मतलब सेम फेज में हो सकती है, अपोजिट फेज में। सेम फेज में होंगी तो आपके स्पेसिमेन पे ज़्यादा लाइट दिखेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो वहाँ आपको डार्क एरिया दिखेगा, और जहाँ इंटेंसिटी हाई होगी वहाँ पे आपको इसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते, ठीक है ना। तो ये तो एक मोटी मोटी बात है। तो यहाँ हमको दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमको ध्यान में रखनी है, अगर हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तब भी। क्या ध्यान में रखना है, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जब लाइट सेम फेज में होगा, और वो हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, थिकनेस के द्वारा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा, है ना। सेम फेज में होगा तो हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस होगा, और लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर लाइट जो है आपका अपोजिट फेज में है तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि लाइट जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसमें ये कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने सैंपल में, और क्यों हमको फेज कंट्रास्ट की आवश्यकता है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।